Heena. अब मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती है। अम्मी जो कुछ भी तुम्हारे साथ कर रही हैं, उसमें अम्मी दोषी नहीं है, दोष तुम्हारा है। तुम खुद अपने आप पर जुल्म कर रही हो। मन में तो आया कि अम्मी को सारी हकीकत बता दूं। नहीं नमीरा, ऐसा कभी मत करना। तो फिर तुम्हें ही कुछ करना होगा। हकीकत का सामना करने के लिए तुम्हें हिम्मत जुटानी होगी। मैं क्या करूं नमीरा? तुम वही करो जो अम्मी चाहती हैं। तुम अपना चेकअप करवा लो, कम से कम उनकी गलतफहमी तो दूर हो जाएगी। तब हकीकत मालूम हो जाएगी, समीर पर उंगली उठेगी, उनकी रुसवाई होगी। तब अम्मी को कितना दुख होगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो फिर तुम चाहती क्या हो? समीर अपनी मनमानी करता रहे? एक बात मत भूलो हीना, औरत के लिए ये सबसे बड़ी सजा है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। मेरे लिए क्या ये सजा कम है कि मैं बीवी भी नहीं बन सकी? मां क्या बनूंगी? फिर भी तुम खामोश हो। दिल पर जख्म है और जबान पर शिकायत नहीं। तुम जैसी औरतों ने ही मर्दों को शेर बना दिया है। वो अपनी मनमानी करते हैं और औरतों के जज्बात के साथ खेलते हैं। हीना, एक बार हिम्मत करो और अपने हक के लिए समीर के खिलाफ बगावत कर दो। नहीं नमीरा, मर्द अना की मिट्टी से बना है। उसका दिल प्यार से जीता जाता है, बगावत से नहीं। आज तक तुम यही तो करती आई हो। अपना दिल, अपनी पलके, तुमने सब कुछ बिछा दिया समीर के कदमों में। पर हुआ क्या? वो उसे रौंद कर आगे बढ़ गया और तुम आंसू बहाती रह गई। हीना, अगर तुम उसका दिल जीतना चाहती हो तो तुम्हें उस हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। पर न जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हारी तरफ से लोगों की बदली हुई नजर का समीर फायदा उठा लेगा और वो तुम्हें इस घर से निकलवा देगा। पर अगर एक बार तुमने इस घर को वारिस दे दिया ना, तो इस घर में तुम्हारी जगह बन जाएगी और वो जगह से तुम्हें कोई नहीं हटा पाएगा, कोई नहीं। ये मैंने गारंटर की हैसियत से सिग्नेचर कर दिया और एक इन्होंने कर दी। तेरी फाइल कंप्लीट हो गई, समझ ले कि तुम्हारा लोन सैंक्शन हो गया। थैंक यू यार। खन्ना साहब, थैंक यू अगेन। समीर साहब के लिए तो मैं इनकार ही नहीं कर सकता हूं ना। अब चल, रूबी हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ चलो चल। यस, हाँ उन्हें अंदर भेज दो। हाय रूबी, कम कम। हाय, बैठिए। ये रही अकरम की प्रोजेक्ट फाइल। अब तुम देख लो कि तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है या नहीं। एक्सेलेंट, ब्रिलियंट। इज देयर एनी अदर फॉर्मेलिटी आई हैव टू टेक? नहीं, इतना काफी है। तो फिर मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। सिर्फ जवाब का नहीं, बल्कि हाँ मैं जवाब का। डोंट वरी, आप दोनों को जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। इस फाइल की मदद से मैं बहुत कुछ करने में कामयाब जरूर हो जाऊंगी। समीर, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं तो हार ही चुका था। तेरी बदौलत फिर से जी उठा। आज के जमाने में एक भाई भी अपने भाई के लिए इतना नहीं करेगा। दोस्ती के नाम पे एक मिसाल बन चुका है तू। समीर, दोस्त तेरा ही एहसान में हमेशा याद रखूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर। बस बस, ये एहसान वैसान तो अपने पास रख, दोस्ती में ऐसी बातें तो की ही जाती है। अरे दोस्ती तो है ही इसी का नाम। अब चल। रात गए तुम कहाँ थे?
रात का 1 बज रहा है। इससे पहले तो तुमने मुझे कभी नहीं टोका, तो फिर आज क्यों? मैंने पूछा समीर कि इतनी रात गए तुम कहाँ थे? इस घर में तुम्हारा इंतजार करने वाला भी कोई है, उसकी परवाह नहीं है तुम्हें? नमीरा, मैं बहुत थक गया हूँ, बकवास सुनना नहीं चाहता, सोना चाहता हूँ। आने में कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। मुंह हाथ धोकर तैयार हो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अच्छे लग रहे हैं। आप सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही? मैं सर दबा दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपको किसकी जरूरत है इतना बता दीजिए मुझे। जब जानती हो तो क्यों पूछ रही हो? आपकी ये बातें तड़पा देती हैं मुझे, कलेजा कट के रह जाता है मेरा। मैं किस तरह दिन काट रहा हूं इसका कोई एहसास नहीं है तुम्हें? और हमारे रिश्ते की पहचान जब इस दुनिया में आएगी तब पता है। पड़ोस की शर्मा आंटी आई थी, मुझसे पूछ रही थी कि खुशखबरी कब सुना रही हूँ, और अम्मी भी कहती रहती हैं कि उनका और अब्बू का बहुत अरमान है पोते को गोद में खिलाने का, उसकी किलकारियां सुनने का। और मैं उनके अरमान बिखरते नहीं देख सकती। और लोग मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं इस बारे में, मैं उनका मुंह बंद कर देना चाहती हूँ। वैसे भी औरत उस वक्त तक अधूरी होती है जब तक वो माँ नहीं बन जाती। मैं अधूरी नहीं रहना चाहती। देखो हीना, आज जो तुमने ये स्वांग रचाया है ना, इसका असर मुझ पर नहीं होने वाला। मैंने तुमसे पहले ही कहा था और आज फिर कहता हूं, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा।